उत्तर प्रदेश जनपद के मेरठ जिले में 15 अगस्त का दिन आजादी दिवस के रूप में बड़े हर्ष उल्लास के साथ मनाया गया। देश के हर व्यक्ति की जवान पर भारत माता की जय के जयकारे गूंजते दिखाई दिए और पूरा मेरठ जयकारों के साथ गूंज उठा। इस दौरान कई प्रकार की झांकियां भी देखने को मिली। साथ ही मेरठ के हर स्कूल और कॉलेज में 15 अगस्त का दिन बड़े प्रेम भाव से मनाया गया। आपको बता दें कि मेरठ से 10 मई 1957 का दिन इतिहास के सुनहरे अक्षरों में दर्ज है। आज के दिन मेरठ से आजादी के पहले आंदोलन की शुरुआत हुई थी, जो बाद में पूरे देश में फैला। उस दौरान 85 सैनिकों के विद्रोह से जो चिंगारी निकली, वह धीरे धीरे ज्वाला बनी, जबकि क्रांति की तैयारी सालों से की जा रही थी। मेरठ के 85 सैनिकों का बलिदान खाली नहीं गया और तब जाकर 15 अगस्त 1947 को हमारे देश को आजादी मिली थी। यही वजह है कि मेरठ को क्रांति धारा के नाम से भी जाना जाता है। 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस के पावन अवसर पर कई जगहों पर मेरठ से बीजेपी विधायक सोमिन तोमर ने झंडा लहराकर देश को सलामी दी और देश के लोगों को उनके उज्जवल भविष्य की कामना की। इस मेरठ की क्रांतिकारी भूमि पर मेरठ के सभी सम्मानित और राष्ट्रभक्त नागरिकों को स्वतंत्रता दिवस के हार्दिक शुभकामनाएं देते हूँ। मैं सिर्फ यही संदेश देना चाहता हूँ आपके माध्यम से कि ये मातृभूमि, ये देश फिर से विश्वगुरु बने। ये युवा पीढ़ी अपनी ताकत को पहचानते हुए इस देश के विकास, इस देश के उत्थान के लिए और मेरठ के विकास के लिए काम करें। मेरी तरफ से मोसिना इंटर कॉलेज के समस्त परिवार को, सभी बच्चों को बहुत बहुत शुभकामनाएं और आपका बहुत बहुत धन्यवाद।